अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, अभिषेक, सृष्टि और भी न जाने बड़े सारे बच्चे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये वाला बच्चा फिर आ गया, आई एम कोरोना वायरस। दोस्त तुम अपना नाम चेंज करो पहले, तो तुम्हारे नाम देख के मुझे डर लगता है। कोरोना वायरस, पूरी दुनिया दूर भाग रही है और तुमने अपना नाम ही रख रखा है। दोस्त अपना नाम चेंज करो, इसका नाम शायद आजाद था। ठीक बोला मैंने, बच्चा कह रहा आजाद, ठीक है। तो दोस्त, हम आपके साथ एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहे थे। दो एडजस्टमेंट वी हैव कंप्लीटेड और एक एडजस्टमेंट जो है जो कि हमारी बाकी रह गई है। और मजे की बात अगर मैं आपको बताऊं, आज की एडजस्टमेंट कराने के बाद आपका आज सबसे बड़ा चैप्टर जो कि एडमिशन है पार्टनरशिप का, वो फिनिश हो जाएगा। है सर? सर सबसे बड़ा चैप्टर? हाँ भाई हाँ। एडमिशन का खत्म हो जाना, इसका मतलब आप ये समझ लो 65% पार्टनरशिप की बुक आपकी खत्म हो गई है। जो पार्टनरशिप का अकाउंटिंग का पार्ट है वो 65% आपका खत्म हो जाता है। तो आज हम अपनी आखिरी मुद्दे पे आपके साथ आज बातें करेंगे, ठीक है दोस्त? सर ठीक है। एक बार मुझे सबसे पहले सब बच्चे रिवाइज कराएंगे, सबसे पहले रिवीजन करेंगे हम। तो हम लोग जो एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं आपके साथ, मैंने आपको बताया दोस्त, सबसे पहली बात, ये आपके पेपर में जो आएगी ये पक्का पक्का आती है। एक ना एक एडजस्टमेंट आपके पेपर में आपको मिल ही जाती है अक्सर। और एडमिशन का क्वेश्चन आपके पेपर में जो आता है दोस्त, आपने अभी इतने क्वेश्चन कर लिए, आपको पता लग जाना चाहिए 8 मार्क्स का गारंटेड क्वेश्चन आपको मिलता है। तो एडजस्टमेंट जब आपको पता है होनी है, तो और आपको ये भी अब पता लग चुका है कि एडजस्टमेंट कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें सब एडजस्टमेंट करके जानी पड़ेगी, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भी भरोसा नहीं, वो कोई भी एडजस्टमेंट दे सकता है। मैंने आपको लास्ट दोनों क्लासों में सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन ही कराए हैं। और मजे की बात क्या, जो दो एडजस्टमेंट पिछली कराई मैंने आपको, वो दोनों 2019 के बोर्ड के पेपर में आई रखी है। एक सेट वन में डाल रखी थी, एक सेट टू में डाल रखी थी। तो आप एक भी एडजस्टमेंट को मोर इंपॉर्टेंट या एक भी एडजस्टमेंट को लेस इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपके साथ थोड़ी रिवीजन करना चाहूंगा। क्या आप लोग मेरे साथ क्या मुझे रिवीजन कराने में हेल्प करोगे? बोलो सर हाँ, रिवीजन हम करेंगे। बोलो सारे ये डनाडन डन, सर रिवीजन को करनी ही करनी चाहिए, सर रिवीजन कराओ। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट में मेरे दोस्त मैंने आपको ये बताया कि हम कैपिटल को ना चेंज करते हैं, कैपिटल को और अच्छा बनाते हैं, दैट इज एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और कुछ भी नहीं होता, बैलेंस सीडी जो होते हैं आपके, उस बैलेंस सीडी को निकालने को ही एडजस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। तो एडजस्टमेंट के मैंने आपको बताए थे 3 टाइप। कितने टाइप बताए थे? 3 टाइप। 3 टाइप बच्चे कह रहे हैं सर 3 टाइप, वेरी वेरी गुड। टाइप नंबर 1, व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज मिसिंग। इसमें भी हमने आपके साथ एक वीडियो पूरी बनाई, सेपरेट वीडियो, और डिस्कस किया कि कभी कभार नया पार्टनर के जो एडजस्टमेंट होती है उसमें लिखा होता है न्यू पार्टनर विल बिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब भाई साहब, हमें क्या पता प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितनी है, हम 12वीं के हैं, हमें क्या पता। तो कैसे वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल हम फाइंड करते हैं, वो उसकी चर्चा करी थी आपके साथ। इसके बाद पिछली वीडियो में हमने आपके साथ एडजस्टमेंट नंबर 2 डिस्कस करी थी हमारी, जिसमें बैलेंस सीडी तो हम निकाल लेते हैं और जो भी शॉर्ट फॉल या फिर मोर फॉल आता है वो हम कैश के थ्रू एडजस्ट करते हैं। ये भी हमने लास्ट क्लास में आपके साथ देखा था। और आज हमारी बारी है एडजस्टमेंट नंबर 3 की। और मजे की मैं बात आपको बताऊं, 2
टू कर ली तो थ्री में कुछ रह ही नहीं गया, क्योंकि टू और थ्री 80-90% बिल्कुल सिमिलर है, कुछ फर्क ही नहीं है। तो पता है मुझे क्या लग रहा है आज? क्या जानना चाहोगे आज मुझे क्या लग रहा है? सारे बोलो, जानना चाहते हो कि नहीं? हाँ सर, बताओ आज क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है मैं टाइम पास क्लास ले रहा हूँ आज। है सर, टाइम पास क्लास? हाँ, क्योंकि ये जो मैं कराऊंगा ये आपको आता है, ये आपको आता है, तो मैं फालतू में ही आपके ऊपर क्लास का बर्डन डाल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन रेदर देन फिर भी हमें क्लास करानी चाहिए। ठीक है, आपकी मम्मी वरना डांटती है आपको, मुझे पता है। मम्मी कहेंगी बेटा क्लास लेके नहीं आया आज तू। तो इसलिए आज हम आपके साथ करेंगे आपकी एडजस्टमेंट नंबर थ्री। तो दोस्त पहले एक बार नोटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर करना शुरू करते हैं। ठीक है सर। सर नोटिंग कराओ आज। मैंने कहा ओके, नोटिंग करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर थ्री, एडजस्टमेंट नंबर थ्री। चक दे ओ चक दे इंडिया, व्हेन कैपिटल ऑफ। बच्चे कह रहे हैं गाना मत गाया करो, बेसुरा गाते हो। ओके, व्हेन कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर एडजस्टेड थ्रू करेंट अकाउंट, एडजस्टेड थ्रू करेंट अकाउंट। ठीक, स्टेप्स टू सॉल्व द आंसर। स्टेप नंबर वन, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। और अब आप जानते हैं ये कैसे निकालते हैं। अगर आपने पिछली क्लास देख रखी है तो आप लोग जानते हैं। क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि ये टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे निकालते थे? क्या कोई बच्चा बताना चाहेगा? तो मैं आपके आंसर की अब कर रहा हूं वेट। देखते हैं कौन है हमारी क्लास में आज होशियार। आज जंग छिड़ी जाए, आज देखा जाएगा। तो गलत गलत जवाब आया मेरे पास हेमंत का। हेमंत का जवाब गलत है। हेमंत ने कहा है रेसिप्रोकल। इसके बाद शिवानी का आंसर राइट है और अगिरनता का आंसर राइट है। इसके बाद आयुष का आंसर राइट है, शिवम का आंसर राइट है, मनोज का राइट है और ये नालायक कौन था? आई एम कोरोना वायरस, यही नालायक है। तुम्हारा नाम ही नालायक है दोस्त, तभी कहता हूं कोरोना वायरस नाम रखोगे तो आंसर भी गलत ही आएंगे। नालायक कोरोना वायरस आजाद। ठीक है, इसके बाद बब्बू का आंसर भी ठीक है, बब्बू ने भी सही बताया। तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर जो आ रहे हैं वो करेक्ट आ रहे हैं। सर बच्चे क्या बता रहे हैं? बच्चे बता रहे हैं कि कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर जो होती है इनटू में न्यू पार्टनर के शेयर को रेसिप्रोकल कर दो। और एक बच्चा कह रहा था टोटल कैपिटल आती है कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर को रेसिप्रोकल करने से। ठीक है, नहीं दोस्त, ये है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू में न्यू पार्टनर का शेयर को रेसिप्रोकल कर देना। इसके बाद स्टेप नंबर टू, डिवाइड द कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या दोस्त हमने कल ऐसा ही किया था? क्या हमने कल डिवाइड करी थी न्यू कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बिटवीन ओल्ड पार्टनर एज वेल एज न्यू पार्टनर? बोलो हां करी थी कि नहीं करी थी? मैं आपके जवाब का कर रहा हूं वेट, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सबने कहा करी थी, वेरी वेरी गुड, सबने कहा। बच्चे तो होशियार निकले। डिवाइड द
कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ओल्ड एज वेल एज न्यू। मैं तो खाम खाई बच्चों को नालायक समझता रहा, पर वो तो बड़े ही होशियार निकले। वो माय गॉड, स्टेप नंबर 3 भी मुझे लगता है मेरे बताने से पहले ही कहीं बच्चे ना बता दें। स्टेप नंबर 3 में क्या करते थे? स्टेप नंबर 3 में तो अगर नेता ने बता दिया, अगर नेता तो बाप रे बाप। अगर नेता तुम आज क्या खा के आई हो? तुम तो आज गजब ढा रही हो, सारे आंसर दिए जा रही हो। तो औरों को भी बताओ जरा कि तुमने ऐसा कौन सा चमनप्राश खा लिया जिसकी वजह से तुम्हारे सारे आंसर एकदम करेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, और शिवम का भी करेक्ट है, गौरव का भी करेक्ट है, और असम का भी करेक्ट है। ओ माय गॉड, आई एम कोरोना वायरस का भी करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया। तो स्टेप 3 तो मेरे बताने से पहले ही बता दिया आपने। डिफरेंस फाइंड करो, डिफरेंस फाइंड करो। डिफरेंस किस में? जो आपके बैलेंस सीडी एस पर स्टेप 2 है, जो आपके बैलेंस सीडी एंड जो आप खुद निकालोगे बैलेंस सीडी। मैं हिंदी में लिख देता हूं इसको, ठीक है, ताकि आपको ना हिंदी वाले नोट्स। देखो मैंने ये सीखा है, अपनी भाषा में अगर काम करेंगे तो काम सरल हो जाता है। जिस हिसाब से हमारा व्यक्तित्व है खुद की निकाली हुई कैपिटल, उस हिसाब से अगर कोई व्यक्ति काम करेगा तो उसके लिए काम सरल हो जाता है। खुद की निकाली हुई कैपिटल, खुद की निकाली हुई कैपिटल मतलब हमारे हिसाब से बैलेंस सीडी कितना आना चाहिए हमारे हिसाब से, और जो स्टेप 2 हमें निकाल के देगा, उन दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्या करना है। स्टेप नंबर 4 में डिफरेंस जो भी आएगा वो कैश में एडजस्ट ना होके करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगा, बस यही डिफरेंस है। कल की क्लास में डिफरेंस कैश में एडजस्ट हुआ था, या तो पार्टनर कैश लेके आया था या उसने विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, तो कल एक पार्टनर ने शायद 50,000 रुपए विड्रॉ किए थे और एक ने 2,00,000 रुपए डाले थे, मुझे याद है, अलोक और एक पार्टनर और था। ठीक है, तो ऐसे ही आज जो डिफरेंस होगा वो करेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगा, करंट अकाउंट के थ्रू, बस यही डिफरेंस है दोस्त। ये जो स्टेप नंबर 4 है ना, यही डिफरेंस वाला पॉइंट है। बाकी सब कल वाली क्लास और आज वाली क्लास बिल्कुल सेम है। तभी तो मैं कह रहा था आपको कि आज मुझे महसूस ही नहीं हो रहा कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैंने कल पढ़ा दिया आपको। आज की क्लास तो टाइम पास क्लास है। ठीक, आज एडमिशन की फेयरवेल क्लास है, आज एडमिशन खत्म होने जा रहा है। तो ये मेरे दोस्त, आई होप आप लोग ने नोटिंग तो कर ली होगी। तो नोटिंग अगर कर ली होगी तो अब आप लोग डन का मैसेज डाल दिया है कईयों ने तो, और जिनका रह गया है आप लोग देखो पॉज करके आप आराम से नोटिंग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और उस क्वेश्चन के जरिए ही इस कॉन्सेप्ट को भी समझा दूंगा दोस्त। क्वेश्चन हम जो आपके साथ करेंगे आज, वो करेंगे बोर्ड का पेपर। क्या बोर्ड का पेपर करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है? क्या जब मैं बोर्ड का क्वेश्चन कराता हूं तो आपको थोड़ा फील आता है कि हम बोर्ड का क्वेश्चन कर पा रहे हैं? ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। इस दुनिया में कॉन्फिडेंस से ही काम चलता है मेरे दोस्त। अगर आप कॉन्फिडेंट है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। दिल में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चोरों के दिल में कॉन्फिडेंस नहीं होता, कॉन्फिडेंस होता है सच्चे व्यक्ति के मन में। तो आप लोग अगर मेहनत आपने क्लास में करी है तो आप पेपर में भी कॉन्फिडेंट रहेंगे। ठीक है, तो यही मैं, तभी मैं क्लास में ही क्वेश्चन कराता हूं। अच्छा, ये जो पेपर है, ये पेपर है, आप जानना चाहोगे ये कौन सा पेपर है? ये पेपर है आपसे 1 साल सीनियर लोग, हालांकि मुझे सीनियर नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अभी आप दोनों एक ही लेवल पे हो, उनके अभी तक बोर्ड के पेपर खत्म ही नहीं हुए आपके सीनियर्स के। ठीक है, तो ये है 2020 का बोर्ड का पेपर। ओ माय गॉड सर,
अभी 2 महीने पुराना पेपर, हाँ भाई हाँ, अभी जो पेपर हुआ ये वही एग्जाम है 2020 का बोर्ड का एग्जाम, ठीक है। इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया। आज देखे क्या 2020 में अगर आप बैठे होते तो क्या क्वेश्चन कर पाते कि नहीं कर पाते? ठीक है सर, आज तो सर हम कर लेंगे पूरी तरह क्वेश्चन, सर आज तो बस क्वेश्चन दिखाओ और बस आप बैठ जाओ सर, हम करेंगे सर। वेरी वेरी गुड। तो क्वेश्चन है, मैं अगर क्वेश्चन दिखाऊं आपको, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया है एडमिशन का, 8 नंबर का क्वेश्चन आया है एडमिशन से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है, ये ही है शायद, हाँ ये ही क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22। बच्चा कह रहा है जूम कर दो। भाई साहब तुम लोगों को दिखता ही नहीं है, मेरे को तो मैंने देखा था सही दिख रहा था। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। कहता है आशीष, आशीष एंड निमिश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ऑन 31 मार्च 2019 देयर बैलेंस शीट वर एज फॉलोज। ये बैलेंस शीट दे रखी है, ओके। बैलेंस शीट में क्या क्या है नजर मार लेते हैं। तो बैलेंस शीट में देखो दोस्त, सबसे पहले लाइबिलिटी साइड अगर देखे तो कैपिटल दे रखी है, जर्नल रिजर्व दे रखा है। इस जर्नल रिजर्व का क्या होगा, इस जर्नल रिजर्व का क्या होगा, जल्दी से बताना मुझे इस जर्नल रिजर्व का क्या होगा। ये ओल्ड पार्टनर्स में क्या बट जाएगा कि नहीं बट जाएगा, बोलो हाँ कि ना। मैं आपके जवाब का कर रहा हूं इंतजार, और आप सभी ने कहा सर ये तो बट जाएगा, ओल्ड रेशियो में बट जाएगा है, ये ओल्ड रेशियो में बट जाएगा। वेरी वेरी गुड, ओल्ड रेशियो में बट जाएगा। तो ये 50,000 को अगर मैं ओल्ड रेशियो में बांटूं तो क्या मैं ऐसे बांट सकता हूं? मैं साथ ही में ना आज कैपिटल अकाउंट आपके साथ बनाते जा रहा हूं, आपको आज प्रेजेंटेशन दिखाता हूं बोर्ड की एकदम। तो सबसे पहले तो हम पार्टनर्स के नेम लिख देते हैं, क्या क्या है दोस्त, आशीष और निमिश। आशीष और निमिश के नेम जरा लिख दिए जाए, आशीष निमिश, और तीसरा वाला कौन है एडमिट हो रहा है, वो है गीता। बाप रे बाप। इसके अलावा बैलेंस बीडी क्या क्या दे रखे हैं, 3,10,000 और 2,00,000, 3,10,000 और 2,90,000। गीता का कोई बैलेंस बीडी नहीं होगा। क्या मुझे दोस्त आप बताओ, क्या जर्नल रिजर्व बांट देना चाहिए कि नहीं बांट देना चाहिए? तो आप सभी ने अभी मुझे बताया कि सर इसको तो बांट देना चाहिए, ये तो पार्टनर्स की कमाई है, इसको तो बांट देना चाहिए। तो जर्नल रिजर्व को हम बांट देंगे, रेशियो शायद 3:2 था ना, यस 3:2 का रेशियो था, इसी रेशियो में इसको हम बांट देंगे। तो आप मुझे क्या बताएंगे अमाउंट कितना कितना आएगा, जल्दी से आप लोग क्या मुझे बताएंगे, मैं आपके जवाब का कर रहा हूं दोस्त वेट, क्या आप लोग मुझे बताएंगे कितना कितना आएगा? तो बच्चे कह रहे हैं सर 3:2, 30,000 और 20,000। ओ माई गॉड, वेरी वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा बैलेंस शीट में दे रखा है WCF, WCF को हम ऐसे नहीं बांटेंगे, पहले देखेंगे क्या कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है इसके अगेंस्ट, उसके बाद ही हम देखेंगे इसको बांटना चाहिए कि नहीं बांटना चाहिए। फिर क्रेडिटर्स हैं, अब एसेट साइड क्या क्या है, प्लांटर मशीनरी है, फर्नीचर्स हैं, हमारे पास डेटर्स हैं, ठीक है दोस्त, डेटर में से प्रोविजन माइनस है, फिर नेट डेटर यहां लिखे हैं, स्टॉक है, कैश है, ओके। इसके अलावा नीचे क्या लिखा है, कहते हैं गीता एडमिटेड हुई पार्टनरशिप में फॉर 1/4 शेयर, केवल ये लिखा है वो 1/4 शेयर के लिए आ रही है और कुछ भी नहीं लिखा। तो क्या मैं कह दूं जो ओल्ड रेशियो होगा पार्टनर्स का
वही होगा सेक्रीफाइजिंग रेशियो, वही होगा सेक्रीफाइजिंग रेशियो। द आंसर इज यस। ये आपका ये पॉइंट ना आपकी कैलकुलेशंस इजी करेगा। तो इस पॉइंट को आप ये मत समझिएगा कि ये क्या सर ने ट्रिक बता दी, ये बच्चे आपकी कैलकुलेशन इजी करेगा। तो हम आपको जो बता रहे हैं वो आपकी कैलकुलेशन इजी हो इसलिए बताते हैं हम, ठीक है? ओके, आगे देखो क्या लिखा है। कहते हैं गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 लाख। गुडविल फर्म की गुडविल है 2 लाख। कैन यू टेल मी वो कितना प्रीमियम लेके आएगा? जल्दी से क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं वो कितना प्रीमियम लेके आएगा? कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, ऐसे ना वर्किंग नोट में इसको लिखेंगे, ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। इससे आपकी प्रेजेंटेशन मेरे दोस्त अच्छी लगती है। तो आप कैसे लिखेंगे? आप कहोगे कितना वो लेके आया प्रीमियम। इसको निकालने का बाइसेप होता है एक फॉर्मूला, गुडविल फर्म की कितनी है इनटू में न्यू पार्टनर का शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर। तो हमें दोस्त दोनों चीजें पता है, गुडविल ऑफ द फर्म भी पता है कितनी है 2 लाख रुपए, और नया पार्टनर का शेयर भी पता है वो है 1/4। तो अब आप लोग क्या मुझे बताएंगे कितना आएगा? तो बच्चे ने सबने सही बताया 50,000। वेरी वेरी गुड। और मजे की बात क्या, मैंने भी कैलकुलेट कर दिया ये 50,000। ये क्या है 50,000? ये क्या है? क्या ये प्रसाद आया है? क्या ये प्रसाद लेके आया है नया पार्टनर? 50,000 रुपए का प्रसाद बटेगा? जल्दी से बताओ, क्या ये गुरु पुण्य का प्रसाद है? बोलो हाँ कि ना। नहीं सर, सब कह रहे नहीं। कहाँ से प्रसाद सर? अकाउंट्स में प्रसाद की बातें तो होती ही नहीं है। ये तो सर वो प्रीमियम लेके आया। मैंने कहा ओके वेरी वेरी गुड, प्रीमियम लेके आया है। जब वो प्रीमियम लेके आया है इतना, तो क्या होगा? क्या ये कैश अकाउंट में दोस्त प्लस भी हो जाता है? कैश अकाउंट, पहले तो कैश अकाउंट भी ना वर्किंग नोट में आप बनाना, इससे आपका कैश अकाउंट सही रहता है। 41,000 बैलेंस बीडी है, 41,000 बैलेंस बीडी है। इसके अलावा नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है। जल्दी से बताओ कितनी निकाली थी अभी? हमने निकाली थी 50,000 रुपीज। ओके, तो 50,000 रुपए की प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है। और क्या ये 50,000 की पार्टनर्स में बट भी जाएगी? जल्दी से बताओ, क्या पार्टनर्स में बटेगी भी? द आंसर इज यस। पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो भाई साहब बिल्कुल बटेगी। प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी कितनी बटेगी? तो प्रीमियम फॉर गुडविल दोस्त बटेगी 50,000 है, और रेशियो है सेक्रीफाइजिंग रेशियो 30,000 और 20,000। क्या मेरा आंसर सही है? जल्दी से बच्चे बताएंगे, क्या अमाउंट आप लोगों का भी यही आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहीं कोई गलती करी है कि नहीं करी आपने? जल्दी से मुझे बताना, मैं आपके जवाब का कर रहा हूं वेट। तो बच्चे कह रहे हैं सर हमारा भी यही आंसर है। वेरी वेरी गुड, आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही। हौसला बुलंद है, ठीक है? आगे देखो क्या कहता है, आगे वो क्या कहता है। एडजस्टमेंट नंबर 1 का सफा चार्ट कर दिया हमने। नाउ सेकंड एडजस्टमेंट, कहते हैं अरे बच्चा कह रहा और जूम करो। अब दोस्त इससे ज्यादा जूम हम क्या करेंगे? ये देख लो, गीता ब्रॉट 3 लाख एज हर कैपिटल, हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। भाई साहब गुडविल तो हम ले आए, पहली एंट्री पास कर दी थी, अब वो कह रहा है कैपिटल भी लेके आई है 3 लाख गीता। मैंने कहा ओके, जब वो कैपिटल लेके आई है तो इसका मतलब बाय कैश, बाय कैश, और गीता के खाते में इसको जोड़ देंगे। गीता के खाते में कितना जोड़ देंगे? वो कितनी लेके आई है कैपिटल? तो वो लेके आई है 3 लाख रुपए। ओ माय गॉड। और बताओ दोस्त कहां जुड़ जाएगी ये? और कहां जुड़ जाएगी? कैश अकाउंट में। ये क्या है? ये है गीता की कैपिटल। ओ माय गॉड, 5 लाख रुपए की वो कैपिटल लेके आई है, ठीक है सर। इसके बाद के एडजस्टमेंट बताओ सर। सर ये भी कोई क्वेश्चन पेपर आया है? ये तो सर मजाक आया है सर, मजाक।
ठीक है, अब आप लोगों ने कर लिया है तो अब आप लोगों को मजाक लग रहा है, ठीक है। इसके बाद दोस्त, ये जो थर्ड पॉइंट था ना, थर्ड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट वैसे तो बहुत इजी है, पर बच्चे ना इसमें माइनर सी गलतियां कर देते हैं। बहुत ही इजी पॉइंट है, पर एक ना माइनर सी सिली मिस्टेक जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो सिली मिस्टेक आप लोग कर देते हैं। अब वो सिली मिस्टेक क्या होती है, वो ना बेसिक्स आपकी गड़बड़ है। जब बेसिक गड़बड़ होते हैं तो आप वो बेसिक की गड़बड़ी अपने बोर्ड में भी कराते हैं। मुझे एक बात बताओ, जर्नल बात बताना, ये आपकी मैडम ने बताई होगी ग्यारहवीं वाली। एक बच्चा कह रहा है सर मेरी मैडम ने कुछ नहीं बताया ग्यारहवीं वाली। दोस्त ऐसे बोलोगे तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, जब कुछ नहीं बताया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हालांकि अभी सुन लो, अभी भी समझ आ जाएगा। मुझे बात बताओ, एक डेटर है 40,000 का, सपोज करो 40,000 के डेटर है, क्वेश्चन में लिखा है बैड डेट्स भी हो गए 2,000 के, और क्वेश्चन में लिखा है आपको प्रोविजन भी बनानी है 5% की, तो आप जो प्रोविजन है इस वाले डेटर पे बनाओगे कि बैड डेट माइनस करने के बाद उस डेटर पे बनाओगे? ये एकदम क्वेश्चन है, आपके क्लास 11th में पेपर में आता था ये क्वेश्चन। ये कौन से चैप्टर में आता था? ये आपके बुक्स में एक चैप्टर हुआ करता था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, फाइनल अकाउंट जिसे आप कहते थे, जिसमें ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट बनती थी। वहां पता है आप क्या किया करते थे? पहले आप लेस करते हो इसमें से बैड डेट्स। ओ माय गॉड, सर हम पहले बैड डेट माइनस करते हैं। हां, जब आप डेटर्स में से बैड डेट माइनस कर देते हो तो आ जाता है आंसर ये 38। ये 38 पता है कौन है? ये वो डेटर हैं जिनसे उम्मीद है पैसा मिलेगा, जिनसे उम्मीद है पैसा मिलेगा, और इस उम्मीद पे ही तो प्रोविजन बनाया जाता है। ये 2000 तो ऐसे थे जो मुंह पे मना कर गए, भाई साहब ये तो मुंह पे ही मना कर गए कि हम नहीं देंगे। जो मुंह पे ही मना कर गया कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते, उससे हम क्या बोलें? भाई साहब मुंह पे ही ठोकर जब कोई मार जाता है तो उससे क्या हम कुछ कह सकते हैं? हम कहते हैं जाने दो इसको, इसकी ऐसी की तैसी, छोड़ो इसको, हटाओ। तो इस बैड डेट को हम पहले माइनस कर देते हैं, इसके बाद जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको हम समझा सकते हैं। अब जो समझना ही नहीं चाहते उनको समझाने से कोई फायदा ही नहीं होने वाला, क्योंकि उनको समझना ही नहीं है। तो पहले डेटर में से बैड डेट माइनस होते हैं, देन जो ये डेटर आते हैं इसका 5% प्रोविजन बनता है, ठीक है। तो आपको ये वाला फॉर्मेट पता होना चाहिए कि पहले बैड डेट माइनस होते हैं देन प्रोविजन बनता है, ठीक है। और यही गलती आप लोग पेपर में ना जाने पता नहीं क्यों कराते हैं, और मुझे पक्का विश्वास है कि मेरा एक भी बच्चा ये गलती नहीं करके आएगा। क्या दोस्त वादा करते हो, क्या ये गलती करके आओगे कि नहीं आओगे? तो सर हम ये गलती वादा करते हैं, हम लोग कसम खाते हैं कि हम बैड डेट पहले माइनस करेंगे उसके बाद प्रोविजन करेंगे। तो दोस्त ये हो गई कसम, कसम है तुम्हें, ये गलती तुम्हें नहीं करेंगे। कसम तेरी कसम सनम तेरी कसम। सर आप गाना मत गाओ, सर आप बहुत बेस लगाते। ओके, मैं गाना नहीं गाऊंगा। चलो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में देखो दोस्त, क्या हमारे पास डेटर्स हैं? क्या हमारे पास डेटर्स हैं? हाँ सर, 90,000 के हैं। उसमें से क्या हमें कुछ लोगों पे शक भी है? हाँ सर, 1,000 का हमें शक है कि 1,000 नहीं दे पाएंगे, तभी तो सर हमने प्रोविजन बना रखा है। मैंने कहा वेरी वेरी गुड। अच्छा दोस्त आप थर्ड वाली लाइन पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? बैड डेट्स अमाउंटेड टू 2,000। ओ माय गॉड, हमें कितनों पे शक था? बैलेंस शीट में हमने शक का प्रोविजन कितना बनाया था? हमें लग रहा था 1,000 रुपए हमें नहीं मिलेंगे, तभी तो हमने ये वाला प्रोविजन बना रखा है। दोस्त ये 1,000 का प्रोविजन जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हमें शक है, ये शक का प्रोविजन होता है, 1,000 रुपए का डाउट। लेकिन हमें शक था वो 1,000 रुपए नहीं देगा, लेकिन
असलियत में पता है वो और भी नालायक निकला, उसने 2000 रुपए हमें नहीं दिए। बोलो दोस्त बोलो, क्या वो अच्छा व्यक्ति था कि बुरा निकला? भाई साहब वो तो बहुत बुरा निकला, हमने उसको बुरा सोचा था पर वो तो महाबुरा निकला। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ सर। सर इसकी एंट्री क्या होगी? सर इसकी एंट्री बताओ सर एक बार हमें। सर एंट्री क्या होगी? मैंने कहा देखो दोस्त एंट्री देखो, मेरे को बात बताओ, आपने जो प्रोविजन बनाया था, अब वो प्रोविजन को आपको पहले तो दोस्त खत्म करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर हम डाउटफुल डेट को खत्म क्यों करते हैं सर? क्योंकि आपका जो बैड डेट का नुकसान होता है आप वो प्रोविजन से निकालते हो। जब आपने प्रोविजन बना रखा है उसी बैड डेट के लिए तो आप उसी में से तो निकालोगे, बैड डेट का खर्चा हुआ तो उसी गुल्लक में से निकालोगे। तो प्रोविजन जब खत्म होता है तो डेबिट होता है टू बैड डेट। लेकिन सर बैड डेट तो 2000 रुपए का हुआ, सर बैड डेट तो 2000 का हुआ और प्रोविजन तो 1000 का ही था। मैंने कहा बिल्कुल सही, 1000 का जो एक्स्ट्रा नुकसान हुआ ये हम डाल देते हैं हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ओ माय गॉड, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1000। सर सर इसका मतलब 1000 का बैड डेट रीवैल्यूएशन में और 1000 का प्रोविजन में से माइनस। हाँ भाई हाँ, क्या आपको मेरी बात समझ आती है? तो हालांकि क्वेश्चन में ना एंट्रियां नहीं मांगी हैं, अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं क्वेश्चन तो एंट्रियां उसने नहीं मांगी थी, उसने कहीं भी हमें एंट्री पास करने को नहीं बोला, लेकिन मैंने फिर भी आपको एंट्री आपकी नॉलेज के लिए कराई ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे मेरे दोस्त। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? ओके, अब मुझे आप ट्रीटमेंट बताओ दोस्त क्या होगा। एंट्री को देखना ध्यान से और ट्रीटमेंट बताना। इस स्लाइड को मैं बंद कर देता हूं। प्रोविजन अब खत्म हो गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने से डेबिट होगा आप मुझे बताओगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने से डेबिट होगा? तो सर ये 1000 रुपए से डेबिट होगा। मैंने कहा वेरी वेरी गुड, बच्चे हैं होशियार, 1000 से डेबिट होगा, ठीक है। और न्यू बैलेंस शीट में मैं क्या लिखूंगा? मैं कहूंगा मेरे डेटर्स कितने के थे, मेरे डेटर्स कितने के, मेरे डेटर्स के लिए मैंने निकाला ये वाला 90,000 के मेरे डेटर, मेरे डेटर 90,000 के, इसमें से लेस करके दिखाऊंगा बैड डेट हो गए। ओ माय गॉड, बैड डेट्स हो गए कितने के? 2000 रुपए के। अब कितने के डेटर बचे? अब दोस्त कितने के बचे? अब बचे 88,000 के डेटर, 88,000 के डेटर। क्या आपको ये वाला पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ क्या आया कि नहीं आया? सर सर हमें पॉइंट आ गया, सब कह रहे हैं वेरी वेरी गुड। इसके बाद अब आगे देखते हैं आगे क्या पॉइंट कह रहा था। पॉइंट कह रहा था, कहता है क्रिएट करो अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर, 5% प्रोविजन बनाओ। तो दोस्त हम 5% 90,000 का बनाएंगे कि 88 का बनाएंगे? हम 88 का बनाएंगे, 88 का प्रोविजन बनेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? लेस प्रोविजन। क्या आप मुझे 5% बता सकते हैं इसका कितना होगा? 88,000 का 5% तो ये होगा दोस्त 4400। ओ माय गॉड, अब ये जो डेटर आएंगे ये हमारे हैं बिल्कुल एकदम साफ सुथरे डेटर, ये हैं साफ सुथरे डेटर 83,600। और ये जो हमने प्रोविजन बनाया ये रीवैल्यूएशन में भी जाएगा, टू रीवैल्यूएशन, ओ प्रोविजन, टू प्रोविजन 4400। क्या बात सही लग रही है दोस्त? 44,000। आपके आंसर का मैं वेट कर रहा हूं, सब कह रहे हैं सर वेरी वेरी गुड, हमें समझ आ गया बात, ठीक है। चलते चलो चलते चलो, चलते ही हमें चलना है, बस चलते चलना है, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। इसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट देखो, कहता है फर्नीचर वॉज फाउंड
अंडर वैल्यूड, फर्नीचर की वैल्यू कम रिकॉर्डेड है, अंडर वैल्यूड, कम रिकॉर्डेड है। मेरा फर्नीचर ज्यादा का है और मैं कम का सोच रहा था, मेरा फायदा है कि नुकसान? भाई साहब मेरा फायदा है, मैं तो डांस भी करने लगा, मेरा तो ये फायदा है। कम कम का सोच रहा था और कहां ज्यादा का निकला, कितना ज्यादा, 65,400। तो मेरे फर्नीचर का फायदा हो गया, बाय फर्नीचर 65,400। ओ माय गॉड, ऐसे फायदे तो भगवान सबको कराए। 65,400 ठीक है। अब बैलेंस शीट में न्यू फर्नीचर की वैल्यू भी हम डालेंगे, न्यू फर्नीचर की वैल्यू भी हम डालेंगे। तो न्यू फर्नीचर की वैल्यू कितनी होगी दोस्त? फर्नीचर की वैल्यू बताएगा कौन? बोलो कौन बताएगा? अर्जुन बताएगा। तो अर्जुन बैलेंस शीट में कितने की दे रखी है? 2,20,000 की, 2,20,000 की। प्लस कितने का फर्नीचर बढ़ गया, कितने का फर्नीचर बढ़ गया? तो हमने लिखा है 65,400 का बढ़ गया, 65,400 का बढ़ गया। तो न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी अब? 2,20,000 प्लस 65,400, दैट इज 2,85,400। वेरी वेरी गुड। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साये बहार के। दोस्त रुक जाना नहीं कहीं तू हार के। इसके ना बाद एडजस्टमेंट नंबर 5, स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय निमिश। ये निमिश कौन है? क्या निमिश पार्टनर है? देखते हैं बैलेंस शीट में। ओ माय गॉड, निमिश तो पार्टनर निकला। आगे वो क्या कहता है? कहता है निमिश ने स्टॉक को टेक ओवर कर लिया, 1,30,000 का स्टॉक, 1,30,000 का स्टॉक उसने टेक ओवर कर लिया। एक बार बैलेंस शीट में देखें कितने का स्टॉक है, 1,40,000 का स्टॉक वो 1,30,000 में ले जा रहा है। तो बिजनेस का भाई साहब 10,000 रुपए का नुकसान हो गया। इस नुकसान को हम कहां लिखेंगे? इस नुकसान को हम कहां लिखेंगे? इस नुकसान को हम लिखेंगे यहां पे, टू स्टॉक, 10,000 रुपए का बिजनेस का नुकसान हो गया। और जो वो 1,30,000 रुपए का लेके गया है, बिजनेस उससे पैसा लेगा तो उसकी कैपिटल को डेबिट कर देगा, टू स्टॉक। पार्टनर के नेम जरा चेंज कर दे दोस्त। तो नेम क्या क्या थे? नेम थे आशीष, नए वाले का था गीता और निमिश। और निमिश ही क्या लेके गया? स्टॉक 1,30,000 रुपए का। तो पार्टनरशिप फॉर्म 1,30,000 रुपए निमिश से वसूल करेगी, इसलिए उसकी कैपिटल को डेबिट कर दिया, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं वो क्या कहता है। कहता है लाइबिलिटी आ गई वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड की, 30,000 रुपए। मैंने पहले भी बोला था WCR को ऐसे नहीं बांटना। बच्चे कह रहे थे सर WCR भी बांटो। तो दोस्त ऑलवेज चेक कि आपके पास क्या WCR के अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी है। तो क्वेश्चन ने हमें लाइबिलिटी बता दी, 30,000 की लाइबिलिटी है। और रिजर्व कितने का है? ओ माय गॉड, मात्र 20,000 का रिजर्व और लाइबिलिटी आ गई 30,000 की। तो 10,000 रुपए का जो एक्स्ट्रा नुकसान है वो हम रीवैल्यूएशन में डालेंगे। ओके सर, रीवैल्यूएशन में डालते हैं 10,000 रुपए टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। 10,000 रुपए का एडिशनल नुकसान हो गया। 20,000 तो हमने वहां से निकाल लिए होंगे, लेकिन 10,000 का एडिशनल नुकसान हो गया। और न्यू बैलेंस शीट में अब पता है लाइबिलिटी कितने की आएगी? न्यू बैलेंस शीट में बताओ दोस्त लाइबिलिटी कितने की आएगी अब? तो न्यू बैलेंस शीट में लाइबिलिटी आएगी अब 30,000 रुपए की, क्योंकि 20,000 तो रिजर्व से लाइबिलिटी में ट्रांसफर हो गए, 10,000 एक्स्ट्रा रिवैल्यूएशन के थ्रू हो गए। वर्कमैन कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कितनी हो गई दोस्त? 30,000 रुपीज की। ओके,
इसके बाद वो और कुछ भी नहीं कह रहा है, वो हमारी एडजस्टमेंट की बातें कर रहा है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट की बातें करेंगे, पहले दोस्त रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट का मुझे प्रॉफिट या लॉस बताएंगे। तो बच्चे कह रहे हैं सर प्रॉफिट आ रहा है। मैंने कहा ओके, प्रॉफिट का अमाउंट भी बताओ दोस्त। मैं आपके आंसर की कर रहा हूं वेट, आप लोग अमाउंट भी बताएंगे मुझे। टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और किस किस पार्टनर के बीच में हो जाएगा? तो ये हो जाता है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में जो कि है आशीष और निमिष, आशीष और निमिष। कितना कितना आ रहा है? मैं आपके 40,000, बच्चे बता रहे 40,000 और बांट के कितना कितना आ रहा है? 24,000 और 16,000। वेरी वेरी गुड, 24,000 और 16,000। ठीक है, इसको मैं यहां लिख देता हूं। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आ रहा है? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 24,000 और 16,000। इसके अलावा और हमारे को कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है, हमने सब कुछ सॉल्व कर दिया। अब आप लोग मेरे से बात सुनेंगे। जब भी आप पूरा क्वेश्चन आपने अपनी तरफ से फिनिश कर दिया, ठीक है, अब आपका क्या काम रह गया था? आपका काम पता है क्या रह गया था? कि आप ना इस साइड को प्लस करते, क्रेडिट साइड को डेबिट से माइनस करते और आप अपने प्यारे बैलेंस सीडी निकाल देते। आप तो बड़ा ही सिंपल कर देते, लेकिन क्वेश्चन ने पता है क्या बोला? कैपिटल को एडजस्ट करना है। देखते हैं, कहता है आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट, सब कुछ कर लो। आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट मतलब सारी एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल ऑफ आशीष और निमिष वर एडजस्टेड टेकिंग गीता कैपिटल एज द बेस, गीता की कैपिटल को बेस मानते हुए, और एक्सेस और शॉर्टेज जो भी आएगा वो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करो। तो हम क्या करते हैं दोस्त, इसके लिए हम आपको ना वर्किंग नोट शो कराते हैं। हम कहेंगे वर्किंग नोट नंबर टू कैपिटल एडजस्टमेंट। आप ऐसे पेपर में प्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने आपको नोटिंग कराई थी, नोटिंग में क्या लिखवाया दोस्त? मैं आपकी नोटिंग देखना चाहता हूं, मैंने नोटिंग में क्या लिखवाया था? तो मैंने आपको दोस्त लिखवाया था, अरे, कि आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है। देखो, सबसे पहले आपको फाइंड करना है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो आप वही करोगे। स्टेप नंबर वन है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म फाइंड करना। तो आप कैसे करोगे? आप कहोगे न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया है। तो देखे क्वेश्चन में कितनी कैपिटल लेके आया है, न्यू पार्टनर लेके आया है 3,00,000 रुपए की कैपिटल, 3,00,000 रुपए की कैपिटल। तो ये जब 3,00,000 रुपए की कैपिटल लेके आया है और ये पता है कितना शेयर रखेगा फर्म में, ये केवल 1/4 रखेगा। अगर ये 3,00,000 एक चौथाई हिस्से की है तो पूरे 4 हिस्सों की कितनी होगी? ये होती है टोटल कैपिटल। ये 12,00,000 क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ओके, इसको मैं लिख देता हूं टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ऑफ न्यू फॉर्म। ये आ गई। कुछ मैंने क्या कुछ ज्यादा किया कि कल वाला ही काम कर रहा हूं? पुराने पार्टनर की कैपिटल और पुराने पार्टनर का जो शेयर था 1/4 उसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया और मेरा आंसर आ गया। ठीक है सर, सर आपने तो कल वाला ही काम किया। मैं तो कह ही नहीं रहा, मैंने तो पहले ही बोला था कि आज की क्लास बिल्कुल मजाक है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। स्टेप नंबर टू,
नालायक, कोई फालतू बातें मत करो, आप ध्यान पे रखोगे, यहाँ पे ध्यान रखना है, नहीं तो तुम्हारे सेस ब्लॉक हो जाएंगे आप, ठीक है। बच्चा कह रहा है छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो, ये छुट्टी का टाइम है कि सीखने का टाइम है? नालायक, छुट्टी दे दो, जिसको छुट्टी चाहिए यहां से जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा स्टेप नंबर टू होता है दोस्त, हमें न्यू रेशियो पहले पता होना चाहिए, न्यू रेशियो हमें पता होना चाहिए। तो ये कल वाला क्वेश्चन ही है सिमिलर, तो कल न्यू रेशियो आया था 9:6:5, तो वही न्यू रेशियो इस क्वेश्चन में भी होगा। अब बच्चे कह रहे हैं सर निकाल के दिखाओ, चलो हम निकालते हैं न्यू रेशियो निकालते हैं। बच्चे कह रहे सर ये कहां से आ गए, तो हम निकाल के दिखा देते हैं, ठीक। तो न्यू रेशियो देखो कैसे निकलेगा। हालांकि न्यू रेशियो में ना अब आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी दिक्कत है तो कोई बात नहीं, ये लो हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो लेट द होल शेयर बी वन, वन में से नया पार्टनर 1/4 लेगा, तो रिमेनिंग बचेगा 3/4। इसके बाद पार्टनर कौन कौन है, एक तो है आशीष और एक है निशेष, क्या नाम है उसका पुराने वाले का, निमिश, निमिश। तो ये भी 3/4 में से कुछ रखेगा, ये भी कुछ रखेगा, और पुराना जो नया वाला आया है गीता, ये कितना रखेगी, ये 1/4 रखेगी। तो इसके ओल्ड रेशियो से इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, जो कि इनका था 3:2, तो ये आ गया 9/20, ये आ गया 6/20, और इसको भी हम 5 × 5 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5/20। तो दोस्त ऐसा करने से न्यू शेयर जो आ गया 9:6:5 आ गया, ठीक है। क्या अब आपको समझ आ गया होगा, तो डन का मैसेज डालिएगा। हालांकि मुझे लगता नहीं था कि ये भी दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं ओके ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म को इस रेशियो में बांटूंगा। ये जो मैंने 12 लाख रुपए की निकाली है कैपिटल, इसको मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा ये है फ्यूचर की कैपिटल जो नई बैलेंस शीट में 12 लाख जाएगी। ये है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, न्यू फर्म मतलब न्यू बैलेंस शीट की। तो इसको मैं बांटूंगा, किस किस में बांटूंगा दोस्त, पार्टनर है 3 तो ये बटेगी भी 3 में, आशीष और इसके अलावा क्या नाम था, कमीश, और इसका क्या था तीसरे वाले का, गीता। इनका रेशो क्या है 9:6:5, तो इसको मैं अगर बांटू तो अलग पेन से दिखाता हूं मैं आपको, 12 लाख × 9/20, 12 लाख × 6/20 और 12 लाख × 5/20। तो क्या आप मुझे इसके आंसर बता देंगे दोस्त, क्या होंगे? मैं आपके आंसर का अब ना दोस्त वेट कर रहा हूं, क्या आप लोग मुझे आंसर बताएंगे कि नहीं बताएंगे। तो बच्चे कह रहे हैं सर 3,94,000, अब आधे कुछ और कह रहे हैं, तो एक बार मैं ही करके देख लेता हूं, 5,40,000 आ रहा है। बच्चे कर रहे हैं कैलकुलेशन की गलती। अब बोलो क्या तुम्हें डंडे से मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? बिल्कुल तुम्हें डंडे से मारना चाहिए, तुम हो नहीं यहाँ पे, वरना मैं तुम्हें डंडे से मारता। तुम्हें पता है मेरे पास बहुत बड़ा वाला डंडा है, बहुत बड़ा वाला डंडा है, डंडा है कांच। चलो तुम बच गए, वरना ऑनलाइन ही यहाँ डंडे से पिटाई होनी थी तुम लोगों की। दोस्त कैलकुलेशन की गलती करोगे तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अब आधे अभी भी कह रहे हैं, अब मैं एक बार फिर करके देख लेता, आधे कह रहे आपने गलत किया है। दोस्त कैलकुलेटर गलत नहीं बोलता, 5,40,000, एक बार इंसान को ना खुद की गलती भी माननी चाहिए। आपका आंसर दोस्त गलत आ रहा है, अब सारे दोस्त कह रहे हैं ठीक है ओके 5,40,000। इसके बाद इसका आ रहा है 3,60,000 और तीसरे वाले का दोस्त आ रहा है, बच्चे बता रहे हैं 3 लाख ओके। ये मेरे क्या आ गए, ये मैंने टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म को बांटा, तो ये मेरे आ गए दोस्त बैलेंस सीडी। अच्छा सर ये जो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म है, जब इसको हम बांटेंगे तो ये हमारे बैलेंस सीडी होते हैं। हाँ
मतलब ही क्या होता है? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, मतलब न्यू बैलेंस शीट में जाने वाली कैपिटल। अच्छा सर, अब समझ आ गया हमें। मैंने कहा ओके 5,40,000, 5,40,000, 3,60,000 और 3,00,000। ठीक, क्या ये न्यू बैलेंस शीट में भी जाएगी? हाँ, कैपिटल्स। आशीष की कितनी है? आशीष ही नाम था ना, आशीष, यस आशीष की है 5,60,000। इसके अलावा निमिष की है, अभी हमने निकाली, कितनी निकाली थी? 3,60,000। और इसके बाद जो गीता नई पार्टनर आई है उसकी तो है ही 3,00,000, उसकी तो है ही 3,00,000। ठीक, तो हमने ये न्यू बैलेंस शीट में ये कैपिटल लिख डाली। क्या मैंने कुछ अलग काम किया कि कल वाला ही कर रहा हूं? क्या मैंने कुछ नया सिखाया अभी तक? द आंसर इज नो, मैंने कुछ भी अभी आपको नहीं सिखाया। अब मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा बैलेंस सीडी अपने हिसाब से निकालो, अपने हिसाब से निकालो। जब मैं कहता हूं अपने हिसाब से निकालो, इसका मतलब आप ना ये सोच के निकालो कि अगर ये जो बैलेंस सीडी अभी हमने निकाले ये ना होते, क्या मतलब जो अभी हमने निकाले ये वाले अगर ये ना होते तो आपका बैलेंस सीडी कितना आता? तो आपका पता है कितना आता? आप क्या करते? आप इन सब के साइड को प्लस कर देते। एक बार जल्दी से प्लस करो, 3,10,000 सर, प्लस 30,000, प्लस 30,000, प्लस इसके बाद 24,000, प्लस और माइनस कर देते, माइनस में तो कुछ है ही नहीं, तो आपका पता है कितना आता? आपका आता 3,94,000। आशीष का आपके हिसाब से पता है बैलेंस सीडी कितना आता? 3,94,000। ठीक, ऐसे ही बाकियों का भी निकालते हैं। देखो निमिष का देखना है दोस्त, निमिष का देखते हैं। निमिष का आप कैसे निकालते? आप कहते 2,90,000 प्लस 20,000। मैं कुछ कर रहा हूं कि बस जोड़ घटाव कर रहा हूं, प्लस 20,000, प्लस 16,000। मैंने बस क्रेडिट साइड को प्लस किया और डेबिट साइड में इस स्टॉक वाली फिगर को माइनस करूंगा। मैं इस वाले बैलेंस सीडी को कंसीडर ही नहीं कर रहा। मैं कहता हूं ये होता ही ना तो हमारे हिसाब से कितने आते? हमारे हिसाब से आता कितना आता? 2,16,000 रुपए, 2,16,000 रुपए। ये किसका है? ये है निमिष का। हमारे हिसाब से आते। और हमारे हिसाब से इस तीसरे वाले का कितना आता? तो तीसरे वाले का तो 3,00,000 ही था, तो 3,00,000 ही आता, 3,00,000 ही आता गीता का। लेकिन बैलेंस सीडी जो आपने एस पर टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकाले हैं वो अलग अलग हैं। वो हैं आशीष का कितना है? 5,60,000। निमिष का कितना है? निमिष का है 3,60,000 आपने निकाला है, 3,60,000 आपने निकाला है। और गीता में कोई फर्क नहीं है, गीता का एज इट इज है। तो दोस्त आपके जो अपने बैलेंस सीडी हैं और जो बैलेंस सीडी आपने निकाले हैं इन दोनों में फर्क है। बिकॉज इन दोनों में फर्क है, हमें आपकी कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। देखो आपके हिसाब से अगर आप निकालते तो इतनी होती, लेकिन क्वेश्चन आपको कह रहा है आपको इतनी रखनी है फ्यूचर में, तो मतलब आपको फ्यूचर में अपनी कैपिटल को बढ़ाना है। जब कैपिटल को बढ़ाना है तो कैपिटल के किस साइड अमाउंट लिखना पड़ता है? कैपिटल के क्रेडिट साइड अमाउंट लिखना पड़ता है, कैपिटल के क्रेडिट साइड अमाउंट लिखना पड़ता है। तो बताना मेरे दोस्त आशीष के क्रेडिट साइड कितना अमाउंट लिखूं?
क्या आप लोग मुझे इसका डिफरेंस बता सकते हैं कितना आएगा? हाँ सर हम बताएंगे, 5,60,000 सर। सर सर डिफरेंस का जिम्मा हमारे ऊपर सर, 5,60,000 माइनस 3,94,000 डिफरेंस सर हम बताएंगे। मैंने कहा वेरी वेरी गुड, तो डिफरेंस जल्दी से मैं देखना चाहूंगा आप लोगों के डिफरेंस कितने कितने आ रहे हैं। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के आंसर की। तो बच्चों के आंसर देखता हूं मैं कितने कितने आ रहे हैं। तो आंसर आ रहे हैं 1,66,000। ओके ये आ रहा है 1,66,000। दोस्त हम क्या करेंगे, हम करेंट कैपिटल अकाउंट की इट साइड लिख देंगे 1,66,000, क्योंकि अगर हम ये इसको बढ़ाएंगे तभी हमारा आंसर मैच करेगा। लेकिन अब यहाँ कैश नहीं लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे बाय करेंट अकाउंट। अच्छा बाय करेंट अकाउंट आएगा, बस यही एडजस्टमेंट है। इसके अलावा और इसकी देखो दोस्त, इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? देखो 2,16,000 के हमारे हिसाब से है और 3,60,000 की क्वेश्चन के हिसाब से है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्त? डिफरेंस आ रहा है 1,44,000 का, 1,44,000 का। तो हम इस 1,44,000 को क्या करेंगे दोस्त, हम 1,44,000 को यहां पे लिख देंगे इसके कैपिटल अकाउंट के अंदर। अच्छा अब समझ आ रहा है सर, 1,44,000 यहां लिख दिया। ऐसा करने से अब हमारे अकाउंट्स जो होंगे वो टैली कर जाएंगे, अब वो टैली कर जाएंगे। क्या आपको अब मेरी बात समझ आ रही है? क्या आपको अब मेरी बात समझ आ रही है? बताओ सारे अब आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ सर अब बात समझ आ रही है। तो इस साइड का टोटल कितना आएगा? इसका आएगा 5,40,000। इधर का टोटल कितना आएगा तो चेक कर लेते हैं, ये है 4,90,000, ये है 3,00,000 और ये है 5,40,000। ठीक ऐसे ही ये यहां पे आ गए सेम 4,90,000। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। क्या कोई मुश्किल था? बोलो बोलो भाई क्या कोई मुश्किल था? द आंसर इज नो, हमने बस डिफरेंस को करेंट अकाउंट में डाल दिया। अच्छा अब मुझे आप एक बात बताओ, ये जो करेंट अकाउंट आया है, ये करेंट अकाउंट आया है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिजनेस पैसे लेगा आशीष से और हमारे दूसरे वाले पार्टनर से, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है कहां गया ये, अरे ये क्या खुल गया, जिसका नाम है निमिश। तो बिजनेस के लिए पता है क्या हो गया, न्यू बैलेंस शीट में करेंट अकाउंट एसेट साइड शो हो जाएगा। ओ माय गॉड आशीष करेंट अकाउंट। सर सर ये यहां पे क्यों शो हो रहा है? देखो दोस्त अभी हमने एडजस्टमेंट करी, अगर हम कैश के थ्रू करते तो क्या कैश प्लस नहीं होता क्या? कैश भी तो एसेट है। तो अब हमने बैलेंस शीट में ऐसे कैश से ना करके हमने करंट अकाउंट के थ्रू किया, तो करंट अकाउंट भी बिजनेस का एसेट होगा। आशीष करंट अकाउंट और निमिश करंट अकाउंट, ओके सर ये एसेट साइड शो होंगे। हाँ भाई हाँ ये एसेट साइड शो होंगे। कितने कितने आ गए? ये आ गया 1,66,000 और 1,44,000, 1,66,000 और 1,44,000। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर हमें समझ आ रही है, 1,66,000 और 1,44,000। इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या चीजें हैं जो कि हम लिखेंगे, तो हम देखते हैं। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं आया तो क्रेडिटर को एज इट इज लिख देते हैं। क्रेडिटर्स कितने के हैं दोस्त? 1,10,000 के, 1,10,000 के।
इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, इसको हम इस साइड का टोटल कर देते हैं। तो इस साइड का टोटल करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इस साइड का टोटल करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 12 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 30,000 दैट इज 13,40,000 13,40,000। बस दोस्त बस आंसर आ ही गया। इसके बाद डेटर लिख लिया, फर्नीचर लिख लिया, और क्या क्या चीजें हैं, स्टॉक तो अब रहा ही नहीं, स्टॉक जब अब रहा नहीं तो और क्या क्या बचा, प्लांट और मशीनरी बची अभी भी, प्लांट और मशीनरी अभी भी है 2,90,000 की। बस दोस्त अब तो बस लास्ट में तो बस जो बच गया बस लिखते रहो। और हमारे पास कैश, कैश देखना दोस्त, कैश के लिए हमने आपके पास ये अकाउंट बना रखा है और आप मुझे इसका बैलेंस सीडी बताओगे, 41,000 प्लस 50,000 प्लस, इसके बाद ये कितना आ गया, 5 लाख दैट इज 5,91,000 अच्छा 3 लाख लेके आया बच्चा कह रहा है, कैपिटल 3 लाख लेके आया, ओके कैपिटल 3 लाख लेके आया है, तो यहां पे 3 लाख हो जाएगा, 3 लाख ओके 3,91,000। तो ये हमारा क्या आ गया दोस्त, 3,91,000। बस क्या कोई दिक्कत भी थी, ये तो इतना आसान सवाल था, मुझे तो पता नहीं क्या ही लग गया, बच्चों ने तो खुद ही कर दिया धड़ाधड़, मेरा वेट ही नहीं करा, कह रहे सर आप तो धीरे करतोगे, हम पहले ही कर देते हैं 3,91,000। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, एक बार जोड़ घटाव किया जाए, जल्दी से आप लोग इसको मैच करेंगे, क्या ये मैच हो रही है, 83,600 प्लस 285,400 प्लस 1,66,000 प्लस 1,44,000 प्लस 2,90,000 प्लस 3,91,000 दैट इज 13,60,000 ये 20,000 का बच्चा कह रहा है आपने गलती करंट अकाउंट में कर दी है, करंट अकाउंट कह रहा 1,46,000 है, अब दोस्त अब कहां से गलती कर दी है, पहले दो नालायक मुझे बता रहे हैं ये होगा, अब आप लोग ऐसे करेंगे तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, पहले आप कुछ और कहते हैं और फिर कैलकुलेशन कुछ और, अब मैं कहां से इसको, क्या आप लोगों ने प्लस माइनस में गलती बताई थी, एक बार मैं ही चेक करके देखता हूं, क्योंकि आपके भरोसे तो बड़ी दिक्कत वाली बात रहेगी, अब एक बार अब मैं ही चेक करके देखता हूं कि क्या आंसर आएगा, बच्चों के आंसर दो, अब बड़ी ही दिक्कत कर रहे हैं बच्चों के, तुम हो नालायक, अब तो तुम्हें डंडे से मारना ही पड़ेगा, तो एक बार अब मैं टोटल करके खुद ही देखूंगा, 3,10,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 प्लस 24,000 दैट इज 3,94,000 ओके, और यहां पे कितना आ रहा है, माइनस में 5,60,000 बच्चा कह रहा 5,40,000 है उधर, ओके ये 5,40,000 है, ठीक 5,40,000 है, और किसी ने मेरे को 5,60,000 लिखवा दिया, नालायक कहीं का, 20,000 की गलती, तभी मैं कहूं ये कैसे आ रही है, ये 5,40,000 था और यहां पे एक नालायक ने लिखवा दिया, ये डंडा कहां है, इसकी तो डंडे से पिटाई करनी चाहिए, डंडे से पिटाई होनी चाहिए, ये 5,40,000 था और वो मुझे कह रहा है बार बार बच्चा 5,60,000 5,60,000 ठीक है इसको हम कर देते हैं। आयुष का मैसेज आ रहा है सर ये अभी बोल रहा था बार बार, अभी तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो गई, अभी आप अगर ऐसा करेंगे अभी तो बड़ी दिक्कत है, देखो दोस्त क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है हमें, 1,46,000 आ रहा है, 1,46,000 आई एम कोरोना वायरस कह रहा है अभी ना लायक, लो भाई
अब ये कितना हो जाएगा, अब ये 3,40,000 हो जाएगा, अब ये 3,40,000 हो जाएगा, 3,40,000। तो दोस्त इस क्वेश्चन में हमने आपके साथ जो किया कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो आई होप अब आपको हमारी बात समझ आ गई होगी। और इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं, हमारा एडमिशन चैप्टर भी अब खत्म होता है। हमने आपके साथ इतने क्वेश्चंस करे ऑलमोस्ट, और आपकी प्रैक्टिस मजबूत करवाने के लिए, तो अब आपका एडमिशन चैप्टर ये दोस्त खत्म हो चुका है। और अब आप इसकी रिवीजन करेंगे घर के ऊपर, और हम लोग आपके साथ एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है रिटायरमेंट। तो बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अब अगली क्लास में।